आज की वीडियो में मैं सरप्राइज करने वाला हूं मिस्टर टेक्नो गेमर्स को उन्हीं के 20 फीट बड़े माइनक्राफ्ट स्टैचू से। क्या परफेक्ट बना यार, आई कैन बिलीव इट। और ये स्टैचू होने वाला ना सिर्फ इंडिया का बल्कि एशिया का सबसे बड़ा माइनक्राफ्ट स्टैचू, और ये स्टैचू होगा दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा माइनक्राफ्ट स्टैचू। पर मुझे ये नहीं पता मैं ये स्टैचू बनाऊंगा कैसे। अभी मुझे सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि मैं ये स्टैचू को बनाऊंगा किस चीज से, और इसके लिए मैंने चूज किया है कार्डबोर्ड, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल और रेक्टेंगल शेप में तो बनाने में भी इजी रहेगा। पर ये खुशी ज्यादा देर रही नहीं, क्योंकि कार्डबोर्ड बॉक्स का प्राइस पता करने के बाद मेरे तो होश ही उड़ गए। ये तो बहुत महंगा है यार, और जितना बड़ा मैं बनाने वाला हूँ उसमें तो बहुत रुपए लग जाएंगे। इसलिए मुझे सोचना है कि किस तरीके से पैसे भी कम लगे और स्टैचू भी बन जाए। पर ये होगा कैसे? आइडिया, सिंस नए कार्डबोर्ड बॉक्स बहुत महंगे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ मैं यूज करूंगा सेकंड हैंड कार्डबोर्ड बॉक्स, जो कि कबाड़ की दुकान में बड़े आराम से मिल जाए। देव भाई, मैं बनाने जा रहा हूँ टेक्नो गेमर्स का दुनिया का सबसे बड़ा माइनक्राफ्ट स्टैचू, वो भी सेकंड हैंड कार्डबोर्ड बॉक्स से। तू नहीं बना पाएगा भाई, तेरे बस की नहीं है। फोन पे क्या कह रहे हो, मुंह पे बोल के दिखाओ। तू नहीं बना पाएगा भाई, तेरे बस की नहीं है। मुझे यकीन नहीं हो रहा देव भाई ने ऐसा सही में मुंह पे बोल दिया, और मेरा जमीर, मेरी खुददारी, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरा सेल्फ एस्टीम, मेरा सेल्फ सभी को जीरो करने के बाद मेरी आंखों में आंखें डाल के इतना आराम से बैठे हुए हैं। पर मुझे ये नहीं समझ में आ रही है उन्होंने ऐसा कहा क्यों। देख, एक तो सेकंड हैंड गत्ते बहुत गंदे लगेंगे, दूसरा इतना बड़ा स्ट्रक्चर सेकंड हैंड गत्ते से स्टेबल नहीं बन पाएगा। देव भाई के समझाने के बाद अब मुझे एग्जैक्टली पता है मुझे करना क्या है। कुछ और मैंने वही किया, सिंस ये स्टैचू बनाने वाला हूं मैं एक वेयर हाउस में, और यहां पे लकड़ी के पैलेट्स की कोई कमी नहीं। नाउ पैलेट्स तो आ गए और मुझे स्टार्ट करना है माइनक्राफ्ट स्टैचू बनाना, पर यहाँ पे हो रही है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि एक सिंगल लकड़ी के पैलेट का वजन लगभग 25 केजी है, और मैं बनाऊंगा ये स्टैचू 20 फीट का। तो अगर मैं स्टैचू सिर्फ पैलेट की मदद से बनाता हूँ तो ये हो जाएगा बहुत बड़ा और बहुत हैवी, और ये बहुत डेंजरस भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने बनाई एक लिस्ट, और नंबर 1 पे मेरी लिस्ट पे है कि मैं कुछ खा लूं, पर मैं ऑलरेडी खा चुका हूं। ओके, नंबर 2 पे मेरी लिस्ट में है कि मैं इन पैलेट्स को खोल लूं और इनके फट्टे निकाल लूं, जिससे मैं आराम से स्टैचू बना सकता हूं। और फट्टे निकालने में लग गया पूरा दिन। सो फाइनली लास्ट बची हुई है, इसको भी करते हैं खत्म। ओह, सो फाइनली सारे खुल गए। तो ये था आज के लिए। सो ये एक नया दिन, और कल मैंने डिसीजन मिल किए थे ये सारे के सारे फट्टे पैलेट से, अब होगा हमारा रियल कार्यक्रम, मतलब टेक्नो गेमर्स का माइनक्राफ्ट स्टैचू बनाना। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि ये चीज बनेगी कैसे, तो ये है मेरा गेम प्लान। सबसे पहले मैं बनाने वाला हूँ माइनक्राफ्ट स्टैचू के लेग, फिर बॉडी, फिर हेड। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बड़ी हाइट के लिए जोड़ी छोटी 2 फट्टे। तो ये सारे पीस जुड़ चुके हैं, और आप करते हैं स्ट्रक्चर बनाने से, और वो बनाया मैंने प्रोफेशनली बिना कोई गलती किए। एक डिजाइन मिस्टेक हो गई है, और पूरी सेफ्टी के साथ। ये थोड़े सा हैमर लग गया हाथ पे। सो फाइनली इन्हें खोलने के बाद मैंने बनाए मिस्टर टेक्नो गेमर्स के माइनक्राफ्ट स्टैचू के पैर। सो फाइनली लेग का फ्रेमवर्क हो गया तैयार, और ये चीज ऑलरेडी इतनी बड़ी लग रही है, सोचो जब पूरे का पूरा माइनक्राफ्ट स्टैचू तैयार होगा तो वो चीज कितनी बड़ी लगेगी। नाउ इसके बाद मैं बनाने वाला हूँ माइनक्राफ्ट की बॉडी, और ये होने वाला है लेग से ज्यादा डिफिकल्ट, क्योंकि माइनक्राफ्ट की बॉडी माइनक्राफ्ट के लेग से लगभग डबल है साइज में। मैं माइनक्राफ्ट बहुत ज्यादा टाइम से नहीं खेल रहा, बट जो पहली वीडियो मैंने माइनक्राफ्ट की देखी थी वो टेक्नो गेमर्स की थी, और तब से मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो टेक्नो गेमर्स की ये माइनक्राफ्ट स्टैचू तैयार करके आई जस्ट वांटेड टू शो दैट हाउ मच वी एज अ कम्युनिटी लव हिम। सो मिस्टर टेक्नो गेमर्स, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, आई जस्ट वांटेड टू थैंक यू फॉर योर फनी, अमेजिंग, लवली एंड एंटरटेनिंग कंटेंट। यू आर अमेजिंग ब्रो, लव यू। सो फाइनली बॉडी का स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो चुका है, और अगर आप पैरों के कंपैरिजन में इसको चेक करो तो ये चीज कितनी मैसिव बनी है। ये माइनक्राफ्ट स्टैचू लिटरली बहुत बड़ा होने वाला है। ना बॉडी का स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के बाद मैंने कंप्लीट करा हेड का स्ट्रक्चर, उसके बाद मैं खरीद के लेके आया हूँ कार्डबोर्ड। और इस स्टैचू को आगे बनाने से पहले मैं देखना चाहता था कि ये मेरे कंपैरिजन में कितनी बड़ी है, तो इसके लिए मैंने किया एक जुगाड़ जो मुझे पड़ा बहुत महंगा। यार ये अलग नुकसान हो गया, एक मोबाइल टूट गया मेरा, स्क्रीन भी क्रैक होगी, बैक कवर भी पूरा क्रैक हो चुका है। ये अलग 20-25 हज़ार रुपये का अलग नुकसान हो गया। एनीवे कंटिन्यू करते हैं। सो लास्ट थिंग रहता है पेंट, और इससे पहले आप मुझे मेरी गलत पेंटिंग टेक्निक के लिए जज करो, मैं आपको बता दूं कि मैं किसी भी तरीके से कोई आर्टिस्ट नहीं हूं। इनफैक्ट जो बेस्ट पेंटिंग मैंने आज तक बनाई है वो है ये वर्ल्ड फेमस पेंटिंग, जो कि हम सभी ने शायद अपनी लाइफ में एक बार जरूर बनाई होगी। पर लकीली पेंट करने के लिए कोई ज्यादा ही टैलेंट की जरूरत होती नहीं है। सो फाइनली पेंट का काम कंप्लीट हो चुका है, अब इसके ऊपर बनाने मुझे पैटर्न, जिसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं था किस तरीके से बनेगा, बट थैंकफुली विपिन भाई आ चुका है हेल्प करने के लिए, अब देंगे हम इसको फाइनल टच। और सबसे पहले सीधी लाइन के लिए हमने हेल्प लिया इस तरीके से पत्ते धागे का, उसके बाद पहले टेप और फिर मास्किंग टेप की मदद से हमने स्टार्ट कर दिया टेक्नो गेमर की माइनक्राफ्ट स्टैचू का पैटर्न बनाना। वेल, विपिन तो चला गया क्योंकि उसको घर से कुछ अर्जेंट काम आ गया था, पर एटलीस्ट बता के चला गया कि किस तरीके से इसको कंप्लीट किया जाएगा। सो बाकी का काम अकेले निपटाते हैं, और अकेले पैटर्न बनाने में मुझे लग गया एक हफ्ता।
सबसे पहले तो जितने भी मेरे भाई लोग पेंट का काम करते हैं, आई मीन लिटरली सैल्यूट है यार आप लोगों को, क्योंकि लगभग पिछले एक हफ्ते से पेंट कर रहा हूँ और ये पेंट में जो थिनर मिलाया जाता है, ए भगवान, ये लिटरली ऐसा लगता है सर पे चढ़ गया हो, नशा कर रहा हूँ आप में। पेंटिंग सही में इस टोटल बिल्ड प्रोसेस का सबसे टफ पार्ट रहा है सही में। सो फाइनली बॉडी पेंट होने के बाद बचा सिर्फ थोड़ा सा हेड पेंट होना, और बचा हुआ हेड का पैटर्न बनाने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा। सो फाइनली पेंटिंग काम हो गया और इसी के साथ कंप्लीट होता है टेक्नो गेमर्स के माइनक्राफ्ट स्टैचू का बिल्ड प्रोसेस। टेक्नो गेमर्स के माइनक्राफ्ट स्टैचू को बनाना तो मुश्किल था ही, लेकिन अब उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि इतने बड़े स्टैचू को मैं खड़ा कैसे करूंगा, और अकेले तो ये खड़ा होगा नहीं, और इसके लिए हेल्प ली मैंने अपने फ्रेंड्स की। अब है टाइम इसको उठाने का। यार मुझे लगा बड़ा होगा, 8-10 फीट का होगा, लेकिन ये तो बहुत ही बड़ा और भारी है भाई। अगर ये स्टैचू गिरा ना कोई बहुत बुरी तरह घायल होगा, मजाक नहीं कर रहा भाई। और इतना बड़ा स्टैचू देख के मोनू थोड़ा सा घबरा भी गया। भाई मेरे तो रोंगटे भी खड़े हो गए, कैसे खड़ा होगा ये? फिर मैंने बताया अपना प्लान। मैं क्या सोच रहा हूँ, एक जना वहाँ से पकड़ेगा और एक जना यहाँ से पकड़ेगा, और इसको पकड़ के धीरे धीरे ऐसा करके हम ऊपर की तरफ को उठाएंगे और ये खड़ा हो जाएगा। तुम्हारी हाइट ही नहीं है इतनी, तो एक तो हाइट नहीं है, हाइट एक परफेक्ट होगी, इसको कैसे खड़ा करेंगे, ये देख डिसबैलेंस होगा। इसके लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। वो तो है, आप कुछ ना कुछ और सोचना पड़ेगा। पर थोड़ा सा और सोचने के बाद मुझे आया एक आइडिया। प्लान है हमारा बहुत ही सिंपल, हमारे पास एक सीढ़ी है और ये है हमारा माइनक्राफ्ट स्टैचू। हम लोग क्या करेंगे, इस सीढ़ी को इस स्टैचू के नीचे डालेंगे, एक रस्सी बीम के ऊपर से फेंक के दूसरी साइड से एक जना खींचेगा और दो लोग साइड से माइनक्राफ्ट स्टैचू को पकड़ के ऊपर की तरफ को उठाएंगे, और धीरे 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 हमारा स्टैचू खड़ा हो जाएगा। नाउ सीढ़ी आ गई है, अब होगा मैजिक। फाइनली सीढ़ियां तो लग गई, नाउ इज द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। भाई प्रेशर तो फील हो रहा है, बाकी भाई देख लियो नीचे कोई किसी को चोट ना लगे। प्रेशर तो फील हो रहा है मगर अब क्या करें, 1.5 महीने की मेहनत है और लास्ट में इस पे आके अटकी हुई है, अगर ये हो गया ना तो मजा आ जाएगा। भाई कर तो रहे हैं पर मुझे नहीं लग रहा हो पाएगा, बाकी मुझे नहीं पता हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट होप फॉर द बेस्ट। डेढ़ महीने की मेहनत के बाद फाइनली मैंने टेक्नो गेमर्स का माइनक्राफ्ट स्टैचू बनाकर और खड़ा करके दिखाई दिया। क्या परफेक्ट बना यार, आई कैन बिलीव इट। और धन्यवाद करना चाहूँगा अपने फ्रेंड्स का जो अपना काम छोड़कर मेरी हेल्प करने के लिए। इस चीज़ को बनाने में 1.5 महीना लग गया और लास्ट में इसको देखने के बाद इतनी खुशी महसूस हो। उज्ज्वल भाई AKA टेक्नो गेमर्स, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। सो ये था आज की वीडियो के लिए। इस वीडियो में मैंने बनाया था टेक्नो गेमर्स का दुनिया का सबसे बड़ा माइनक्राफ्ट स्टैचू। सो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो बोला ही नहीं।